नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। यूपी में छठे चरण के मतदान के दौरान 72 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम का 8 दिन पहले ही पड़ गया फर्जी वोट। बताते चले कि बस्ती जनपद के सदर विधानसभा में गांधी कला भवन के बूथ संख्या 158 में जब मोहम्मद इल्जाम अपना वोट डालने पहुंचे तो पीठासीन अधिकारी ने मोहम्मद इस्लाम से कहा कि आपका वोट 8 दिन पहले ही पड़ गया है, इसलिए आप अब दोबारा अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। इस बात की जानकारी मोहम्मद इस्माइल को हुई तो उन्होंने बताया कि हमने अभी तक कहीं भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और ना मैं विकलांग हूं और ना कोई सरकारी कर्मचारी, तो मुझे फिर कैसे 8 दिन पहले मेरा पड़ गया वोट, जबकि मैं सुबह से 4 बार चक्कर लगा चुका हूं लाइन। मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर इस तरह कैसे कोई हमारे नाम से डाल सकता है फर्जी वोट? इस पर जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बताने को नहीं है तैयार। मेरे चाचा का नाम मोहम्मद इस्लाम है। सुबह 7 बजे वोट डालने आए हैं, उसके बाद सुबह से इनको 3 बार वापस किया गया, कह रहे हैं कि आपका वोट 1 हफ्ता पहले पड़ चुका है, जबकि ये ना कर्मचारी हैं, ना ये 80 साल के हैं, ना ये विकलांग हैं। उसके बाद हम लोगों ने 4 बार शिकायत किया, उसके बाद वहाँ तहसील में गया, वहाँ भी शिकायत किया, लेकिन अभी तक हमारा वोट नहीं पड़ा। कुछ वहाँ तहसील में गए थे, कई लोगों से वहाँ भी शिकायत मैंने किया, फिर भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपका वोट से 1 हफ्ता पहले पड़ चुकी है, वोट नहीं डालेंगे आप। हम नहीं जानते हैं और हम ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, ना हम इस पर कुछ कर पाएंगे, वो लोग कह रहे हैं।